निकाल दे। चलो एक टू थ्री ये हम लोग का हंसा। अरे तो तुम लोग को ओकाटा लोग करेंगे लोग नहीं नांग लिया हेलो को नांग दे सुन सुन ये रही थी तुझा खा मोदी ये पसाओ तो क्या पड़ेगा पैसा सुन दे आप लोग करो हम आते हैं हम आई कैप्टन है तो डिवीजन प्रेसिडेंट आई सीएससी मेंबर हरिचंद्र नवातिया के सेक्रेटरी डिविजनल दशगोपाल टीपुरा विशु मुआटिया मधु कुमार देववर्मा दिनेश त्रिपुरा ऑफिस सेक्रेटरी आ टोटल बसु छ हम टोटल बसु 515 टोटल बसु 50 टोटल 50 बीजेपी 5 फैमिली दे नंबर 40 आईपीपी 40 तई सीपीएम पास माने फैमिली आ जस्ट टॉप लीडर्स मेन लीडर्स के सपोर्टर्स तो अब ग्राउंड लेवल संग अब कैसे डेट खाइने संग और ग्राउंड संग जॉइनिंग प्रोग्राम कटोर के खाइने सीपीएम ने तो और कुंजोली लमुरा सिंह सीपीएम टी वन द लोकल कमिटी ते जीएमपी ने एक मेंबर ते एक्स मोहनबोग डीएससी चेयरमैन के कृष्ण मोहन मुरा सिंह लोकल कमिटी जीएमपी ने पार्टी लोकल कमिटी जीएमपी ने सीपीएम ने के रवि मोहन मुरा सिंह सीपीएम लोकल कमिटी तई टीओएफ ने केंद्र माने सेंट्रल कमिटी ने मेंबर के गोपी पदम मुरा सिंह बोखरा सोशल वर्कर मोती ने ज्वाइन खाइका हाइन हाइ बीजेपी ने गंगाई कर्णमणिक नुआतिया केशव त्रिपुरा बीजेपी वाइस चेयरमैन वाइस चेयरमैन बोलते विलेज कमिटी ने वाइस चेयरमैन है चेयरमैन अच्छा फाइनेंस हालो ता बुझु तो जुता पॉलिटिकल पार्टी खाइ तो नै रना ताउ मेसेज करना मस संतिने बुवाग्रानी बिसिंतै जे साराटी ग्र राज्य ओ जे सिनि बरो खानचांगै सिं 70 72 बोसोर मै जे सिनि पॉलिटिकल राइट थेके सुरु खाइ सिनि हानि सिं राइट माया विभिन्न भाबे सिं बोंचाना लाइजाकमानि अग्नियाकनि यगनानि बगै साराथिप्रानि तिप्रा सारक खानचांगै फेमेनि जरब बुवाग्रानि खरां नय आसागै अबनि साथे साथे सिनि स्पेसियालि सुनामुरा तै बिलुनिया साइटों गांगे सिनि तिप्रा सारक बेलाखिनि डिप्राइभ पॉलिटिकली हिन्दी निने एजुकेशन दि बेबाक दिगि डिप्राइभ खैजामुनि यागुलो तिनिबो सिं जर जरब अनेक पॉलिटिकल पार्टी खैलायका सुन युसिमि खैका सिं अबनि बगै बेलाखिनि डिप्राइभ स्पेसियालि निरक जतन साइमानो त्रिपुरा हानि लुकुरक दानपुर गांगांकाय निनि अ दानपुर थेके न तिनिओ सालसा समर चौधरी होम मिनिस्टर जाक ताय एक्स सिटी मिनिस्टर ब लोकल एमएलए गय 20 बोसोर दानपुर थेके न ब लोकल एमएलए गय त्रिपुरा राज्यनि चीफ मिनिस्टर बुंग जाक ताय बर्तमान सेंट्रल मिनिस्टर प्रतिमा भूमिक नि एलाका हानि मानो दानपुर एलाका सिं साय मानो त्रिपुरा राज्यनि सबसे दुर्गम हंका दलाई हिनी जिन सैमानो हाइपन आंखे अंग्रणी मीडिया ने बिसिंते आं सारने नायो हाइने फेरी दनपुर द्वितीय दलाई त्रिपुरानी गे अबनी बगे जिन बुसकांगो जिन कुनु जरा अफन जिन हा दफनी बगे दनपुर नि जे त्रिपुरा सरक बिनिसले उक्लोगो आइसे कुनु समय खरां पिसे जेटा कबै वास्तव क ताबुक से सिनी बुबाग्रानी बिसिंते हा बुबाग्रानी बिसिंते जे थानचानी खरांगो ताबुक सिं अर सैमानो र होल आईपीएफटी डिविजन बॉडी यूथ आईपीएफटी टंगो दाय सीपीएम ने आगे बेलाई टैलेंटेड बीएससी चेयरमैन डबंगी फैजाक विभिन्न माने पोस टंगनाय विभागीय लीडर्स थेके सुरु खाय जीएमपी नि दाय टीओएफ नि केंद्र कमिटी नि सदस्य रगो टंगो जागाबो इनकाय आंकिनि बेलाई के खाकसांगो दाय बुबाग्रानाव जों लगेर मानो रमान मेल बागै दनपुर नि तिब्रा सारबो ताबुक रेडी जे सिनि बुबाग्रा जे खरांटिसा माने वन लास्ट फाइट अबन बगै आं साखफंग रेडी तै जत तिप्रा सारक बु रेडी तै स्पेशियल सिनि दनपुर नि तिप्रा सारक बु रेडी खरबसक नो फुंनि दिनि तिप्रा मथग बाना रंथा अब लिस्ट दङ आं बाय हाट मानिया लिस्ट अब क्लियर खै सानाय अब लिस्ट खाइलै दङ गैस सं साइमानो
बसकांग तैबू दंग जो जस्ट मेन मेन लीडर हम स्मिथ जस्ट फोकस खाने बगे जो गुवा ग्राम मालयन बगे जयनी खाने मेन लीडर हम ग्राउंड लेवल तबा पार्टी ने बीजेपी विभिन्न धरण पार्टी ने गांव लोक रक्त है गुवा ग्राम नाइन आसमें हम और फिर से कहने वाला हूँ सबको, धनपुर से टिपरा मोथा फाइट करेगा। बहुत साल हो गया है कि धनपुर में इंडिजिनस पार्टी ने कभी फाइट नहीं किया, हमेशा एडजस्टमेंट किया, या फिर कांग्रेस के साथ एडजस्टमेंट किया या फिर बीजेपी के साथ एडजस्टमेंट किया। लेकिन धनपुर में जो हमारा तिपरासा का पॉपुलेशन है बहुत हाई है, और मुझे लगता है कि अगर ग्रेटर तिपरा के लिए फाइट करना है तो वैसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी हमको नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ में तिपरासा का पॉपुलेशन अच्छे नंबर में है। तो माताबारी में मैंने कह दिया है कि हम फाइट करेंगे, और धनपुर से हमने पहले से कहा है और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हम लोग फाइट करेंगे। अभी ओमियो ने कहा कि धनपुर सेकंड ढलाई है, मैं बोलता हूँ कि ढलाई धनपुर या कोई भी जगह हो, ये सब वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसीज है। यहाँ में मानिक बाबू इतने बार जीत के आए हैं, यहाँ से हमारे केंद्र मंत्री प्रतिमा भौमिक जी उम्मीदवार थे, वहाँ से समर चौधरी होम मिनिस्टर थे, लेकिन धनपुर में एटलीस्ट हमारे तिपरासा एरियाज़ में हमने कुछ डेवलपमेंट नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि एमएलए अपना तिपरासा नहीं है। अगर हम लोग अपना एमएलए तिपरासा को बना के जाएगा तो तिपरासा एरियाज़ में भी डेवलपमेंट होगा, ये बात क्लियर है। आपने तिपरासा का वोट लेकर आप मुख्यमंत्री बने, आपने तिपरासा का वोट लेकर आप होम मिनिस्टर बने, आप तिपरासा का वोट लेकर हर इलेक्शन फाइट करते हो, लेकिन इलेक्शन के बाद अपना तिपरासा गांव में किसी को पानी का प्रॉब्लम है, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा, अभी बारिश होगा छत टूट जाएगा, पीने का पानी का प्रॉब्लम है। तो धनपुर इतना इम्पोर्टेंट एरिया हो के भी किसी को आज तक कुछ हमारा तिपरासा को कुछ नहीं मिला। इसके लिए इस बार धनपुर से मैं सबके सामने क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि तिपरा मोथा अपना उम्मीदवार देगा और तिपरासा एमएलए भी निकाल के धनपुर से हम लोग इस बार धनपुर में अपना एरिया को डेवलप करेंगे, ये बात क्लियर है। तिपरा मोथा ने सबको बोला है थानसा के लिए आइए। मैंने इसके लिए आज जब आईपीएफटी से किसी ने ज्वाइन किया है, किसी ने कम्युनिस्ट पार्टी से ज्वाइन किया है, इन्होंने सीपीएम के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, आईपीएफटी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। आईपीएफटी का भी डिमांड तिपरा लैंड है, हमारा भी डिमांड ग्रेटर तिपरा लैंड है, 99.99% एक ही डिमांड है। हम लोग दिल्ली में जाकर अपना तिपरासा का डिमांड रखेंगे। इसके लिए जितने लोग एक प्लेटफॉर्म में आकर एक आवाज़ में, अगर आज हम लोग ने अपना तिपरासा का प्रॉब्लम को पहले रखा और पार्टी का प्रॉब्लम को बाद में रखा तो हम लोग का कल्याण होगा। इसके लिए मैं सबको अपील करता हूँ, आईपीएफटी को फिर से अपील करता हूँ, मेवार कुमार जमातिया, उनके एमएलए, उनके जनरल सेक्रेटरी धनंजय त्रिपुरा, प्रशांत देवर्मा, सबसे अपील करता हूँ कि आप भी आ जाइए एक संग, मैं रेडी हूँ। हम लोग एक ही मंच में आकर अगर अपने लोगों के बारे बात करेंगे तो दिल्ली में कुछ मिलेगा। अगर हमें अलग अलग होकर फाइट करना है तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो त्रिपुरा में 70 साल से चल रहा था वो चलेगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के सबको बोल रहा हूँ, आइए, हम लोग का फाइट एक ही है। मैं जितेंद्र चौधरी जी को भी, जिसको मैं पर्सनली बहुत सम्मान करता हूँ, मैं उनको भी अपील करता हूँ कि आप भी मेरे मंच में आइए। ठीक है, आप जहाँ में हैं वहाँ में रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे मंच में आइए और एक आवाज़ में बोलिए कि तिपरासा लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए अपने स्टेट के अंदर। हमको कुछ ना कुछ अपने लोगों को देना है, वरना हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और हम अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं।